साथियों नमस्कार। साथियों, कई दिनों से एक अफवाह फैल रही है कि मैंने पंजाब के व्यापारियों से मिलकर कोई पार्टी बना ली है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ना तो हमने कोई पार्टी बनाई है, ना हम किसी पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने, पंजाब के व्यापारियों ने हमें एक सेमिनार के लिए बुलाया था और ये कहा था कि मिशन पंजाब में हम समर्थन करेंगे। तो साथियों, आगे जो भी हुआ उसका मेरे को पहले से कोई पता नहीं था और वो मीडिया में फिर और गलत तरीके से छाप दिया गया। एक ने तो लिख दिया गुरनाम सिंह ने पार्टी बनाई, एक ने उसमें कुछ और बोल दिया पार्टी में शामिल हुए, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ना तो मैं कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं और ना मैं पंजाब में चुनाव लड़ूंगा। तो ये अफवाहें कई दिन से मीडिया में गलत खबरें आने की वजह से फैल रही हैं और इसके पीछे कोई षड्यंत्र किसी का भी हो सकता है बदनाम करने के लिए। हम आंदोलनकारी हैं और जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक हम आंदोलन में साथ खड़े हैं। मिशन पंजाब का तो मेरा एक आइडिया था कि जो परंपरागत पार्टियां हैं वो आज दोषी हैं किसान जो देश की पॉलिसी के, उनकी बजाय नए चेहरे पंचायती उम्मीदवार पंजाब के लोग उसमें आगे आके उसमें मिशन पंजाब चलाएं, पंजाब के लोगों को खड़ा करें, जो अच्छे लोग हैं बिना पार्टियों के उनको बीच से खड़ा करें और एक नया सैंपल पंजाब में पेश करके दिखाएं। ये और दूसरा इसका ये था कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो वोट से डरती हैं, इससे आंदोलन में और सहयोग मिलेगा, एक नई जो है वो बात सामने आएगी और पार्टियां उससे डरती और बात जल्दी मानेगी। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा मैं सीएम बनूंगा, मैंने कभी नहीं कहा। इन अफवाहों से कृपया बचें और अपने आंदोलन में जैसे पहले आप सहयोग कर रहे थे उसी तरह से सहयोग करते रहें और हम आंदोलन में तब तक आंदोलन लड़ते रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात मान नहीं जाती, तब तक हम आंदोलन में उसी तरह से भागीदारी करते रहेंगे। धन्यवाद।